Hi, today is quiz number 29 for Civil Services Examination Prelims 2021, 10th of October. Let us begin. First section hai politica Politika pehla sawal hai, which of the following is are the components of the state list under the 7th schedule of the Indian Constitution. State list, Union list, Concurrent list, very important. तो स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं सेवेंथ शेड्यूल में है ये बैंकिंग पब्लिक ऑर्डर पुलिस पब्लिक हेल्थ अब जब भी लिस्ट के सवाल आए तो हमें ये देखना चाहिए जो इंडिया के ट्वेंटी एट स्टेट्स हैं वहाँ पे कॉमनलिटीज़ क्या क्या है जैसे पुलिस देखिए मध्य प्रदेश पुलिस अलग है राजस्थान पुलिस अलग है तो मतलब ये स्टेट सब्जेक्ट है पब्लिक ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर हर राज्यों में वहाँ की जो राज्य सरकार राज्य सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है तो ये पब्लिक ऑर्डर भी स्टेट सब्जेक्ट है पब्लिक हेल्थ पब्लिक हेल्थ कोविड नाइन्टीन में देखा हर राज्य अपने हिसाब से लॉकडाउन भी लगा रहा है स्ट्रैटेजी भी लगा रहा है तो पब्लिक हेल्थ इज़ अगेन स्टेट लिस्ट पर जब बैंकिंग की बात आती है तो बैंकिंग जो होता है वो स्टेट लिस्ट में नहीं आएगा ऑल ओवर इंडिया एक यूनिफॉर्मिटी भी होती है इसमें तो बैंकिंग इज नॉट इन स्टेट लिस्ट बैंकिंग जो है ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्रीज के रूल्स बना रही है सो दिस इज इन यूनियन लिस्ट ना कि स्टेट लिस्ट सो द राइट आंसर ओवर हियर इज डी टू थ्री एंड फोर पब्लिक ऑर्डर स्टेट लिस्ट है पुलिस स्टेट लिस्ट है और पब्लिक हेल्थ भी स्टेट लिस्ट है सो द राइट आंसर इज डी नेक्स्ट विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ ंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टेंथ शेड्यूल में यह लिखा हुआ है एंटी डिफेक्शन लॉ वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाई फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन एटी फाइव शुरू से एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं था फिफ्टी सेकेंड एक्ट से यह इंक्लूड किया गया अ डिफेक्शन बाई वन थर्ड ऑफ द इलेक्टेड मेम्बर्स ऑफ अ पोलिटिकल पार्टी इज एग्जेंटेड फ्राम द पुर्व्यू ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब वन थर्ड मेंबर अगर डिफेक्ट हो रहे हैं किसी पार्टी से तो उधर डिफेक्शन नहीं लगेगा एग्जाम्शन मिला हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ द फाइनल एडुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ सो इसमें से करेक्ट क्या है सी ये इंक्लूडेड है फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन एटी फाइव में टेंथ शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ इंक्लूड किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाइनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं होता है जो डिफेक्शन रिलेटेड मैटर है वो पहले स्पीकर हैंडल करता है स्पीकर के डिसीजन को भी ऑल दो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है तो ये रॉन्ग हो गया ये ट्रू है पहले वन थर्ड अगर डिफेक्शन होता था तो उसको एग्जेम्प्ट किया जाता था एंटी डिफेक्शन लॉ से बट बाद में ये प्रोविज़न हट जाएगा तो ये भी आज की डेट में रॉन्ग है ये ट्रू है और जो थर्ड है ये भी गलत है सो द राइट आंसर हियर इज ए वन ओनली वन ओनली दिस इज ट्रू दिस इज नॉट ट्रू दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू सो द राइट आंसर ओवर हियर इज ए तो शुरुआत में जब ये था ना वन थर्ड स्प्लिट अलाउड था फिर जब नाइन्टी फर्स्ट अमेंडमेंट आएगा तो ये प्रोविजन हट जाएगा तो स्प्लिट भी अब डिफेक्शन कहलाएगा हाउ एवर मर्जर में एग्जेपन अभी भी मिला हुआ है द राइट आंसर इज ए वन ओनली दिस रॉन्ग दिस वन ओनली नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉमिनेटेड में राज्यसभा में बारह मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स मेंबर टू द राज्यसभा एज रिकमेंडेड बाय द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा तो चेयरमैन ने राज्यसभा के चेयरमैन ने कुछ रिकमेंडेशन दिया तो प्रेसिडेंट उसको फिर नॉमिनेट कर देंगे क्योंकि वैसे भी जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स हैव द सेम राइट्स एंड प्रिविलेजेस एज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा तो जो नॉमिनेट होकर ये बारह मेंबर आए हैं ये भी सेम ही होंगे जैसे बाकी टू थर्टी एट है तो यू हैव टू टेल इन दोनों में से क्या करेक्ट है अब सी प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं बारह मेंबर राज्यसभा के बट वो रिकमेंडेशन क्या चेयरमैन की होती है या फिर कॉम की होती है कॉम की होती है सो दिस इज रोंग नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं उनके पास सेम राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑलमोस्ट होते हैं पूरे नहीं जैसे प्रेसिडेंट का अगर चुनाव कराना है तो उसमें नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डालेंगे नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डालेंगे तो दिस इज अगेन रॉन्ग दिस इज ऑल्सो रॉन्ग सो द राइट आंसर हियर इज डी आप बाद में बताना प्रेसिडेंट के चुनाव में तो नॉमिनेटेड मेंबर्स ने वोट नहीं किया पर जब प्रेसिडेंट को हटाना है तब क्या नॉमिनेटेड मेंबर वोट करेंगे आंसर सो द राइट आंसर इज डी यह है आर्टिकल 311 वन वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समटाइम्स इन न्यूज इज रिलेटेड टू वॉट मेजर्स टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस ये कंप्लीट जस्टिस के लिए है अपेलेट जूरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सिविल सर्वेंट्स को पावर टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन चारों में से क्या है आर्टिकल 311 तो आर्टिकल 311 वगैरह हम कहाँ पे पढ़ते हैं दिस इज अबाउट सिविल सर्वेंट्स एंड ऑल ओके सो आर्टिकल 311 है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू सिविल सर्वेंट्स द आंसर इज सी ओके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू सिविल सर्वेंट्स द आंसर इज सी इट नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दिस इज आई एस आर ओ ये नेशनल स्पेस एजेंसी है इंडिया की इसका हेडक्वाटर है अहमदाबाद में इट ऑपरेट्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विच इज डायरेक्टली ओवर सीन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब पी एम इसको डायरेक्टली ओवर सी कर रहे हैं इट इज़ द प्राइमरी एजेंसी इन इंडिया टू परफॉर्म टास्क related to space based applications space exploration and development of related technologies so in mein se kya correct hoga jo third hai na wo true hai isro jo hai ye whole se le india mein space related jo bhi work ho raha hai exploration technology application wo sab ka sab aata hai isro se ye jo isro है ये department of space के अंदर काम करती है और department of space मतलब directly overseen by prime minister office pm ऑफ इंडिया फर्स्ट पार्ट है नेशनल स्पेस एजेंसी है ट्रू है बट इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में नहीं हैडक्वार है बेंगलुरु में सो द राइट आंसर हिस्सा टू एंड थ्री सो दिस कंप्लीट्स पॉलिटी अब हम आते हैं ज्योग्राफी में ज्योग्राफी का पहला सवाल है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अलबीडो इफेक्ट एक फिनोमिन है ऑब्जर्व इन द आर्टिक रीजन In which the ice reflects back the heat into space. Inuit are the indigenous population of the Arctic region. So tell in दोनों में से क्या correct होगा C. जो albedo होता है ना albedo albedo मतलब जैसे सनलाइट आ रही है तो आइस जो होती है usually वाइट ये सारी सनलाइट को वापस रिफ्लेक्ट बैक कर लेती है absorption नहीं करती तो albedo इफेक्ट जो होता है वो ऑब्जर्व होता है Arctic रीजन में जबकि जो ब्लैक बॉडी होती है वो सब ऑब्जर्व एब्जॉर्ब कर लेती है जो वाइट होती है वो रिफ्लेक्ट करती है हीट को बैक इन टू स्पेस एब्सोलूटली ट्रू बिकॉज आर्कटिक में क्या होगा आइस होगा आइस मतलब वाइट जो इनुइट है ये एक इंडिजीनस पॉपुलेशन है आर्कटिक रीजन का फॉर दिस कवर दिस ह्यूमन जोग्राफी क्लास इलेवेंथ एनसीआरटी बुक एक्सिलेंट बुक सो दिस इज इंडिजीनस पॉपुलेशन ऑफ द आर्कटिक रीजन ये भी ट्रू ये भी ट्रू सो द राइट आंसर हेयर इज सी बोथ वन एंड टू सेवेंथ अरेंज द फॉलोविंग रामसर साइड्स ऑफ इंडिया इन द डायरेक्शन फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ ईस्ट टू वेस्ट जब भी ये सवाल होता है ना डायरेक्शन में गड़बड़ नहीं करना है ऐसे एक बार ड्रॉ कर लेना है जैसे ये ईस्ट है ये वेस्ट है ये नॉर्थ है साउथ है तो इंडिया से ऐसे चलना है आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलना है ईस्ट से वेस्ट चिलिका लोनार भोज चिलिका लेक कहाँ पर है चिलिका लेक है उड़ीसा में लोनार कहाँ है महाराष्ट्र में भोज कहाँ है मध्य प्रदेश भोपाल में तो ईस्ट टू वेस्ट चलिए आप सबसे पहले क्या आएगा ओडिशा चिल्ली का फिर आएगा भोज फिर आएगा लोनार तो आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा इसका ए ए का मतलब है वन थ्री टू वन थ्री एंड टू ओके नेक्स्ट अरेंज द फ फॉलोविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट फिर से अरेंज करना है ईस्ट से वेस्ट ऐसे चलना है कई बार ऑप्शन में क्या रहता है वेस्ट टू ईस्ट भी ऑप्शन एक होगा तो जल्दबाजी में कन्फ्यूजन में यू विल मार्क दिस वेस्ट टू ईस्ट बट पूछा है ईस्ट टू वेस्ट सो बी वेरी वेरी केयरफुल ये जो एग्ज़ाम है ना ये एग्ज़ाम कॉन्सेंट्रेशन का एग्जाम है एक सौ बीस मिनट अगर फुल कॉन्सेंट्रेशन से आप पढ़ोगे आपसे मिस्टेक्स नहीं होगी स्ली मिस्टेक्स नहीं होगी और इन दी एंड यही एक पैरामीटर होगा जो वो उस कट ऑफ को क्रॉस करवाएगा ओके ईस्ट टू वेस्ट महादेव हिल है मालवा प्लेटू है अरावली रेंज है तो इसमें ईस्ट टू वेस्ट कैसे ट्रेवल हो रहा है तो देखिए इसका आंसर है सी वन टू थ्री पहले महादेव हिल्स है फिर मालवा प्लेटू है और अरावली तो इधर राजस्थान तरफ देखा था हमने थार डेजर्ट को चेक करके रखा है तो अरावली लास्ट में आएगा वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो सो द आंसर इज सी वन टू थ्री Have a look at दिस मैप ये है महादेव हिल्स सेंटर में है फिर ये मालवा प्लेटू है और ये है अरावली हिल तो महादेव मालवा अरावली हिल बाकी और भी कुछ हैं यहाँ पे जो पता होने चाहिए जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक ये राजमहल हिल्स है इधर है राजमहल हिल्स फिर ये हजारीबाग प्लेटू छोटा नागपुर प्लेटू यहाँ माइनज एंड मिनरल्स बहुत हैं फिर ये गर्जत हिल्स है दिस इज रामगढ़ हिल ये कैमूर है यहाँ पर सीमेंट प्रोडक्शन बहुत होता है भांदेर प्लेटू कैमूर दिस ऊपर बुंदेलखंड है ये बुंदेलो हरबोलो की दिस बुंदेलखंड फिर यह आता है मैकाल रेंज दिस इज रामगढ़ मैकाल नीचे है दंडकारण्य दंडकारण्य दंड मतलब फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ का फॉरेस्ट ये महेंद्रगिरी है दिस इज इन ईस्टर्न घाट्स महादेव हिल्स हमने देखा अब ये दो इंपॉर्टेंट है विंध्यान और सतपुड़ा विंध्यान ऊपर है सतपुड़ा उसके नीचे है और इसके बीच में रिफ्ट वैली है जिसमें स्लोप इस साइड आ जाता है तो नर्मदा इधर बहने लग जाती है सो दिस इज रिफ्ट वैली ये मालवा प्लेटू है देन दिस इज राजस्थान और ये ग्रेट इंडियन राजस्थान ऊपर कच्छ है एंड दिस इज काठियावाड़ महाराष्ट्र की तरफ आए तो गाविलगढ़ अजंता सतमला बालाघाट हरिश्चंद्र कल्सू पीक है यहाँ पे कल्सू पीक सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट हिल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन नागोया प्रोटोकॉल जेनेटिक रिसोर्सेज नागोया प्रोटोकॉल क्या है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्स है क्या किगाली अमेंडमेंट क्या फेज डाउन करना है हाइड्रोफ्लोरोबन को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है परजिसटेंट ऑर्गेनिक पॉलिटिन का सो यू हैव टू टेल करेक्ट क्या है जो नागोया प्रोटोकॉल है नागोया प्रोटोकॉल में क्या हुआ था जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं इसका इक्विटेबल शेयरिंग करना है बेनिफिट्स एंड एक्सेस को तो नागोया प्रोटोकॉल इज एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्स एबसोलूटली ट्रू किगाली अमेंडमेंट जो है किगाली अमेंडमेंट है इसमें हाइड्रोफ्लोरोबनस को कम करना था ट्रू क्योंकि इसके पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था और वहाँ से हमने सी को एलिमिनेट किया तो सी एलिमिनेट करने से ओजोन तो प्रोटेक्ट हो गया सी को हमने रिप्लेस किया एच से बट एच से ओजोन तो नहीं है बट एच से ग्रीन हाउस गैसेज आ जाती है ग्लोबल वार्मिंग तो मॉन्ट्रियल के बाद किगाली है कि अब हाइड्रो फ्लोरोबन एच को भी रिमूव करना है सो द राइट आंसर ईयर इज सी सी इज़ वन इन टू ये ट्रू है ये ट्रू है कि गाली एन नागोया मोन्ट्रियल गलत है दिस इज नॉट पॉप दिस इज दिस इज सी एफ सी हजारा एक एथनिक ग्रुप है काफ़ी न्यूज़ में है हजारा हजारा एक एथनिक ग्रुप है कहाँ का है ये सूडान की कोई ट्राइब है ईरान के लोग हैं अफगानिस्तान के हैं या फिर ये चाइना की कोई एथनिक ट्राइब है वहाँ पर एथनिक ग्रुप है तो हजारा क्या होते हैं हजारा लिव्स इन अफगानिस्तान ये एक एथनिक ग्रुप है अफगानिस्तान का सो द राइट आंसर इज सी नाउ लेट अस कम टू हिस्ट्री हिस्ट्री में सवाल है पहला आर्य समाज का आर्य समाज एक रिफॉर्म मूवमेंट है दैट वाज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती जी इज इट ट्रू दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज का स्थापना किया था आर्य समाज डज नॉट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ़ द वेदाज अथॉरिटी ऑफ वेदा पे क्वेश्चन उठाए थे बिकॉज रिफॉर्म्स वगैरह की बातें हैं यहाँ पे सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्य समाज इज टू इरेडिकेट इग्नोरेंस पोवर्टी इनजस्टिस फ्रॉम दिस अर्थ सो जो इसके टेनेट्स हैं वो हैं इरेडिकेट करना इग्नोरेंस पोवर्टी सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट तो दिस इज़ ट्रू ये सेंट्रल ऑब्जेक्टिवज़ हैं आर्य समाज के ट्रू फर्स्ट जो है वो भी ट्रू है बिकॉज आर्य समाज को एस्टैब्लिश किया था दयानंद सरस्वती जी ने ये भी ट्रू है बट दयानंद सरस्वती जी ने ये बोला था जो वेदाज हैं वेदास मतलब सैक्रोसेंट हैं इनफेलिएबल हैं तो उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया था इवन एस्टैब्लिश किया था अथॉरिटी ऑफ द वेदा सो दिस इज़ रॉन्ग डज नॉट नी बिलीव इन अथॉरिटी ऑफ द वेदा तो ये रॉन्ग हो गया फर्स्ट ट्रू है थर्ड ट्रू है सो द राइट आंसर हेयर इज राइट आंसर इज ए वन एंड थ्री इट नेक्स्ट ड्यूरिंग द कोलोनियल पीरियड इन इंडिया वॉट वॉज द पर्पज ऑफ विटली कमीशन विटली कमीशन एड शेयड वन पी डी एफ जिसमें गवर्नर जनरल वाइस रॉयज एट्सेट्रा है उसको एक बार क्विकली गो थ्रू करना उससे सवाल बनेंगे ओके okay. क्विकली उसको एक बार गो थ्रू करिएगा विटली कमीशन टू रिव्यू द फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स टू रिपोर्ट ऑन एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ लेबर एंड टू मेक रिकमेंडेशन

के सवाल कई बार डायरेक्टली नहीं समझ आते हैं हिस्ट्री में अगर तुक्के भी मारने हैं ना तो हमें थीम देखना चाहिए कि ये किस इराक का क्वेश्चन है किस दौर का क्वेश्चन है उस दौर का थीम क्या था क्या डेवलपमेंट हो रहे थे बैकग्राउंड क्या था उस टाइम पे तो इससे एजुकेटेड गेस भी बेटर होते हैं सो द राइट आंसर ईयर इज सी नाइनटीन ट्वेंटी नाइन सी विच ऑफ दीज आर दौर प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील पंचशील के कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं चाइना नॉन अलाइनमेंट म्यूचुअल नॉन एग्रेशन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पीसफुल को एग्जिस्टेंस इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट तो पंचशील के सिद्धांत क्या क्या है पंचशील म्यूचुअल नॉन एग्रेशन भी है पीसफुल को एग्जिस्टेंस भी है इक्वालिटी म्यूचुअल बेनिफिट बट पंचशील नॉन अलाइनमेंट नहीं है पंचशील में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी नहीं है सो द राइट आंसर हेयर इज़ बी टू फोर फाइव कल एक सवाल भी था नॉन अलाइनमेंट का उसमें जो सीरिया है सीरिया जो है वो फाउंडर नहीं है मेंबर ऑफ नैम है बट फाउंडर नहीं है वहाँ एक मिस्टेक है एरर है सेकंड एक और सवाल था पॉलिटी का यहाँ भी ये ट्वेंटी सिक्स नहीं 27, taxes, so होगा दिस इज़ ट्वेंटी सेवन जिसमें फ्री फ्रीडम है फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस एट्सेट्रा सो इसका आंसर होगा ओनली ओके कल का सवाल क्वेश्चन नंबर फाइव पॉलिटी ये जितने भी सवाल है ना इसका भी मैं अभी एक कंपाइलेशन पूरे क्विज नंबर वन टू थर्टी तक का सेंड कर दूंगा एक सिंगल फाइल में और इसमें जितने भी डाउट्स हैं वो सब करेक्टेड फॉर्म में वहाँ पे दूंगा तो आप उसको क्विकली उसको गो थ्रू कर लेना तो थर्टी क्विज होंगे अराउंड ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन है सेवन फिफ्टी अच्छे क्वेश्चन तुरंत रिवाइज हो जाएंगे ओके सो दिस इज़ पंचशील द राइट आंसर इज टू फोर फाइव फाइव प्रिंसिपल्स हैं म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवर्निटी नॉन एग्रेशन है नॉन इंटरफेरेंस है इंटरनल मैटर्स में इक्वालिटी एंड कोऑपरेशन है म्यूचुअल बेनिफिट में और पीसफुल को है ये है वन टू थ्री फोर एंड फाइव वन टू थ्री फोर एंड फाइव ओके अब आता है फोर्टींथ क्वेश्चन ये बात आपको पर्सन आइडेंटिफाई करना है ये किस पर्सन की बात हो रही है ही वॉज द एडिटर ऑफ द इंडियन ओपिनियन इंडियन ओपिनियन के एडिटर हैं ही वॉज इंस्ट्रोमेंटल इन फाउंडिंग द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन उन्नीस सौ सोलह एंड ऑल्सो बिकेम इट्स वाइस चांसलर ही वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न पॉस्टिमसली इन टू थाउजेंड फोर्टीन सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा ये जो पर्सन है आपको पॉस्टीमसली भारत रत्न दो हजार चौदह में मिला वाइस चांसलर बी एच यू के थे और इंडियन ओपिनियन के एडिटर भी थे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पिल्लई जी नहीं है सुभाष चंद्र बोस जी भी नहीं है सुरेंद्र नाथ टैगोर जी भी नहीं है द राइट आंसर इज मदन मोहन मालवीय जी डी मदन मोहन मालवीय जी फिफ्टींथ ये सवाल है बुद्धिज़्म का एक तो बुद्धिज़्म दूसरा जैनिज़्म ये दोनों फेवरेट रिलीजन है यूपीएससी के हर साल सवाल आता है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से तो ये बुद्धिज़्म के बिलीफ सिस्टम है दुखा दुखा मतलब सफरिंग इनकेपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग पेनफुल दुख है इट इज़ एन इनेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टेंस इन द रियल ऑफ दिस संसार सो दिस इज वन टैनिट इज इट ट्रू समुदाय मतलब होता है ओरिजिन कि दुख है दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ अब इस दुख का ओरिजिन क्या है सो इट अराइजेज और कम्स टूगेदर विद दिस तनहा देट इज़ कार्विंग डिजायर और अटैचमेंट सो देर इज सौरो एंड सोरो इज बिकॉज ऑफ दिस अटैचमेंट थर्ड इज निरोध सेन बी अटेंड बाय द रेनाउंसमेंट और लेटिंग गो ऑफ दिस अटैचमेंट तो थर्ड टैनेट क्या है कि इस अटैचमेंट से यू हैव टू गेट अवे अटेंड बाय दिस रेनाउंसमेंट फोर्थ जो है वो बताता है सोल्यूशन मार्ग पाथ और इसी को एट फोल्ड पाथ बोलते हैं लीडिंग टू रेनाउंसमेंट ऑफ दिस से सो देर इज़ दुखा दुखा इज बिकॉज ऑफ अटैचमेंट अटैचमेंट से दूर एंड दिस इज एट फोल्ड बाथ एट फोल्ड पाथ मतलब हाउ सो so, इनमें से किया ये चार के चार बुद्धिज़्म के टैनेट्स हैं यस दीज ऑल फोर आर फोर नोबल ट्रुथ्स ओके तो ये फोर नोबल ट्रुथ्स हैं सो द राइट आंसर हियर इज डी ऑल ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, है, है अब यहाँ लिखा था एट फोल्ड पाथ तो एट फोल्ड पाथ क्या होता है बुद्धा बताते हैं एट फोल्ड पाथ है राइट व्यू राइट इंटेंशंस राइट स्पीच राइट एक्शन राइट लाइवलीहुड राइट एफर्ट राइट कॉन्सेंट्रेशन एंड राइट माइंडफुलनेस दिस इज एट फोल्ड पाथ प्रिस्क्राइब बाय गौतम बुद्धा ओके सो द आंसर इज डी नाउ लेट अस कम टू इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में आपको बताना है जो टैक्सेशन सिस्टम है टैक्सेशन सिस्टम प्रोग्रेसिव भी होता है एग्रेसिव भी होता है तो इसमें से रेग्रेसिव इन नेचर का टैक्सेशन सिस्टम क्या है इनकम टैक्स सेल्स टैक्स जी वैट तो रेग्रेसिव क्या होगा प्रोग्रेसिव वो होता है कि जैसे जो रिच है वो ज़्यादा पेमेंट दे रहा है टैक्स दे रहा है जो कम रिच है वो कम टैक्स दे रहा है तो ये प्रोग्रेसिव है जैसे कि इनकम टैक्स हुआ इनकम टैक्स रेग्रेसिव नहीं होता है इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव होता है इनकम के स्लैब्स होते हैं इसमें जबकि जो सेल्स टैक्स है जी है वैल्यू एडेड टैक्स है इन तीनों में क्या हो रहा है इन तीनों में नो मैटर इफ़ यू आर अर्निंग वन लाख रुपये मंथ और से टेन थाउजेंड रुपये मंथ पेट्रोल आपको भी उतना जीएसटी पेट्रोल जीएसटी में नहीं है बट जो दूसरे वैट वगैरह है वो उतना हर इनकम ग्रुप के पर्सन को सेम देना है तो ये रिग्रेसिव हो गया तो ये तीनों जो होते हैं रिग्रेसिव यूजली इनडायरेक्ट टैक्सेस रेग्रेसिव होते हैं सो द राइट आंसर ईयर इज डी टू थ्री एंड फोर अब बताइए सी पी आई और डब्लू पी आई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होल सेल प्राइस इंडेक्स सी पी आई में इनडायरेक्ट टैक्स आता है होल सेल प्राइस इंडेक्स में इनडायरेक्ट टैक्स आता है सो यू हैव टू टेल दोनों में से करेक्ट क्या है सी पी आई कंज्यूमर एंड पे हेडलाइन इन्फ्लेशन आर बी आई इसको मॉनिटरी पॉलिसी में कंसिडर करेगी डब्ल्यू टी पी आई मतलब थोक थोक होल सेल दिस इंडेक्स तो जो डब्लू पी आई है उसमें क्या इनडायरेक्ट टैक्स आएगा नो no. डब्ल्यू में इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है सी में तो ऑब्वियसली इनडायरेक्ट टैक्सेस कस्टमर एंड पे कंज्यूमर एंड पे सारे टैक्सेस लग रहे हैं इनडायरेक्ट डायरेक्ट सब आएगा डब्लू में इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है सो द राइट आंसर इज एल राइट एटींथ एटींथ है अ डेट इज क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग ये बड़ा न्यूज में है अभी एक बैड बैंक भी बना है वो भी इंपॉर्टेंट है अ डेट इज क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग वेन द लोन पेमेंट हैव नॉट बीन मेड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ नाइन्टी डेज नब्बे दिन तक लोन पेमेंट नहीं होता है प्रिंसिपल इंटरेस्ट एसेट्रा तो वो बन जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैपिटल एडिकेसी रेशियो वो रेशियो होता है बैंक की कैपिटल का जो उसके पास पैसा है बैंक की कैपिटल का इन रिलेशन टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट इन करेंट लाइबिलिटी तो कैपिटल और दिस रिस्क वेटेड एसेट्स इन करेंट लाइबिलिटी तो इसका रेशियो कहलाता है कैपिटल एडिकेसी रेशियो और 90 दिन का है पीरियड 90 दिन तक अगर आप लोन वगैरह नहीं दे रहे हो तो वो बन जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो इस जगह दोनों ट्रू है एन पी इज ट्रू कैपिटल एडिकेसी रेशियो इज ऑल्सो ट्रू बोथ आर ट्रू ओके अब बात करते हैं बैंक रन की पिछले कुछ टाइम से बैंक फेलियर्स भी बहुत हुए हैं तभी जो क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस है उसने पांच लाख कर दिया है अब क्रेडिट इंश्योरेंस पहले एक लाख था तो बैंक रन क्या होता है कस्टमर्स विदड्रॉ देयर डिपॉजिट फियरिंग दैट विल रन आउट ऑफ रिजर्व तो कस्टमर को लग रहा है कि बैंक डूबने वाला है पैसे डूब जाएंगे तो सारे पैसे निकाल लो बैंक आर इन रिस्क ऑफ डिफॉल्ट डिफॉल्ट होने वाला है द बैंक हैज बिन डिक्लेयर्ड बैंक करप्ट बैंक बैंक करप्ट हो गया है तो बैंक रन क्या होगा बैंक करप्ट हो गया है बैंक भाग रहा है बैंक करप्ट तो वट इज द राइट ऑप्शन ओवर हेयर सी बैंक रन यही है कि बैंक डूबने वाला है तो सब बैंक में भागेंगे और पैसे निकालेंगे दिस इज बैंक रन क्योंकि रिस्क है डिफॉल्ट का बट अभी भाग रहे हैं मतलब बैंक अभी डूबा नहीं है तो बैंक हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बैंक करप्ट इज रॉन्ग अभी वो डूबने की स्थिति पे है पर डूबा नहीं है सो द बैंक हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बैंक करप्ट इज रॉन्ग ऑप्शन वन इज ट्रू एंड ऑप्शन टू इज दिस सेकेंड स्टेटमेंट एंड फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है सो द राइट आंसर ईयर इज वन एंड टू ऑनली ओके अब बात करते हैं क्राउड फंडिंग की वॉट यू मीन बाय दिस वर्ड क्राउड फंडिंग देखो जब से ये अभी जैसे कोविड वगैरह भी हुआ तो क्राउड फंडिंग सोशल मीडिया में एक एक कॉन्सेप्ट एक आया है काफी चल रहा है जिसमें ये होता है पहले आप स्टेटमेंट्स बताओ इट इज अ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग थ्रू द इंटरनेट सोशल मीडिया इज इट ट्रू स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी आर रेज फ्राम लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इज इट ट्रू इट हैज़ द पोटेंशियल टू इंक्रीज ऑन्टरप्रोनोरशिप इससे ऑन्टप्रोनरशिप बढ़ सकती है इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज मार्केट प्लेस फाइनेंसिंग मार्केट फाइनेंसिंग जहाँ मार्केट है वहीं से आपको फाइनेंस मिल रहा है तो क्राउड क्राउड का मतलब होता है भीड़ जैसे हर कोई अगर सौ सौ रुपये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये सौ रुपये अगर हजार लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है इससे क्या होगा फंडिंग हो जाएगी और स्मॉल टिकट फंडिंग एक ह्यूज सम में कन्वर्ट हो सकता है तो क्राउड फंडिंग क्या है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी आर रेज फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स ये अगर हज़ार की जगह दस हज़ार हो जाएंगे स्मॉल स्मॉल अमाउंट तो ये क्राउड फंडिंग होगा ये जो मेथड है ये फाइनेंसिंग की होती है थ्रू इंटरनेट एंड सोशल मीडिया काफ़ी लोग इस सिस्टम को यूज़ करते हैं कि एक कोई नोबेल कॉज है इसके लिए फंड्स की ज़रूरत है तो दे आस्क टू यूजर्स एंड ऑल की हेल्प कॉन्ट्रीब्यूट सो दिस इज़ क्राउड फंडिंग इसमें पोटेंशियल है इससे ऑन्टोप्रोनोरशिप भी डेवलप होती है और ये मार्केट प्लेस फंडिंग भी है सो so, इसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग अक्सर ये टर्म है जब से ऑन्टोप्रोनोरशिप और दिस काफी न्यूज में एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं लाइक क्राउड फंडिंग क्या होते हैं तो ये डेफिनेशन भी यू शुड बी नोइंग सो द आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव ओके नेक्स्ट अब हम आते हैं करंट अफेयर्स में पहला जो सवाल है वो है प्रोजेक्ट बोल्ड प्रोजेक्ट बोल्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ये जो बोल्ड है ये लॉन्च किया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने के वी आई सी ने इट सीक्स टू क्रिएट बैम्बू बेस्ड ग्रीन पैचज इन एरिड एंड सेमी एरिड लैंड जोन ये जो बैम्बू होती है ना ये क्या ग्रास है या ट्री है बाद में बताना आप ये जो बैम्बू है बैम्बू बहुत तेज़ी से ग्रो होता है एक हमने मियाँ वाकी टेक्निक भी पढ़ा था तो बैम्बू जो होता है ना इसको मतलब एक शॉर्टकट माना जा रहा है कि तुरंत हम ग्रीनरी ले आएँ तो जहाँ पे ग्रीन पैचेस और एरिड और सेमी एरिड जोन है वहाँ पे बैम्बू प्लांटेशन कर दो बैम्बू के यूटिलिटी भी बहुत है इससे बहुत स्मॉल स्केल एस एम एसिंग एस एस वगैरह को एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी जनरेट होगा तो दिस इज़ ट्रू और ये जो बोल्ड है ना ये के ने लॉन्च किया है दैट इज़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन सो द राइट आंसर इज सी ऑल राइट ट्वेंटी सेकेंड अब ये टर्म भी बहुत न्यूज़ में है हरित धारा ये हरित धारा क्या है ये इट इज़ अ प्रोग्राम लॉन्च टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ मोनोकल्चर मोनोकल्चर होता है ना इट इज़ बैड फॉर इकोलॉजी मोनोकल्चर इज नॉट गुड इट इज़ अ फीड सप्लीमेंट डेवलप टू कट डाउन मिथेन इमेजन बाय कैटल मिथेन इमेजन बाय कैटल इट इज एन इनिशिएटिव फॉर रिज्युवेशन ऑफ लैंड विच इज डिटीरियोरेटेड बाई ओवर ग्रेजिंग ऑफ कैटल कैटल्स अक्सर ऐसी खेत वगैरह ओवर ग्रेजिंग हो रहा है ग्रास लैंड डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो उधर हमको लैंड करना है इट इज़ एम्ड एट डेवलपिंग एंड कंजर्विंग इंडिजीनस ब्रीड्स ऑफ बोवाइन पॉपुलेशन तो हमें जो इंडिजीनस है देसी है उसको उसकी ब्रीड को डेवलप और कंजर्व करना है तो हरित धारा क्या है हरित धारा ये है कि जो ये कैटल्स होते हैं ना कैटल्स मिथेन गैस इमिट करते हैं और ये मिथेन गैस ग्रीन हाउस गैस पॉलिटिंग ग्लोबल वार्मिंग तो क्यों ना हम इस मिथेन एमिजन को कट करें कैटल को ऐसा फूड दें कि उनके दिस गट से मिथेन इमेजन नहीं हो तो हरित धारा इज दैट सो दिस इज बी इट इज़ अ फीड सप्लीमेंट डेवलपमेंट डेवलप टू कट डाउन मिथेन इमेजन बाय कैटल ट्वेंटी थर्ड ये भी बहुत न्यूज़ में अभी है मार्केट अफेयर्स समटाइम्स मैंशन इन द न्यूज़ रिसेंटली ये क्या है एक क्लाइमेट की डिप्लोमेसी आई पी सी सी की रिपोर्ट आई है वेरी इंपॉर्टेंट तो दिस इज सम काइंड ऑफ क्लाइमेट डिप्लोमेसी ह्यूमन बिहेवियर है बिकॉज ऑफ कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक चेंज हुआ है इंटरनेशनल स्ट्रगल है वर्कर्स राइट right का या नन ऑफ द अब तो सी हे मार्केट अफेयर्स है ना ये क्या हुआ जब से कोविड हुआ तो जो वर्कर्स हैं माइग्रेंट्स हैं एट्सेट्रा फर्स्ट ऑफ मे हम लेबर डे भी सेलिब्रेट करते हैं तो उनके लिए है इंटरनेशनल स्ट्रगल फॉर वर्कर्स राइट के लिए इसको हे मार्केट अफेयर समटाइम्स इसीलिए न्यूज़ में है वर्कर्स राइट्स के लिए सो सी इज द राइट आंसर ऑल राइट नाउ लेट कम टू ट्वेंटी फोर्थ विंड होक डिक्लेरेशन भी न्यूज़ में था ये डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू वॉट साइबर सिक्योरिटी प्रेस फ्रीडम क्लाइमेट चेंज डिजिटल इकोनॉमी जो सौ सवाल आएंगे ना वो सारे सौ सवाल एक जैसे नहीं आते कुछ आएंगे पंद्रह बीस जो बहुत डिफिकल्ट होंगे इट्स ऑल राइट सेवेंटी टू एट्टी होंगे जो डुएबल होंगे सेवेंटी टू एट्टी एंड कट ऑफ देखा है आपने अराउंड फिफ्टी तो सबसे जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है ना एग्जाम निकालने की वो ऐसा होता है कि जो सिली सिली मिस्टेक्स नहीं करो जो इजी लो हैंगिंग फ्रूट है उसको ग्रैब करो तो विंडहोक डिक्लेरेशन जैसे ये इजी वन है तो दिस इज अबाउट प्रेस फ्रीडम प्रेस फ्रीडम सिली मिस्टेक्स नहीं करना है मेक इट अ हैबिट प्रेस फ्रीडम विंडहॉक डिक्लेरेशन है ये ओके okay? और जो सवाल भी आते हैं वो जो ट्रेडिशनल जो होता है ना ट्रेडिशनल पॉलिटी ट्रेडिशनल इकोनमी ट्रेडिशनल दिस हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशली आर्ट एंड कल्चर बहुत लो यल्डिंग है मॉडर्न हिस्ट्री देन इसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया जोग्राफी हो गया ये जो कोर है ना अगले बारह तेरह दिन इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है अगर आपने ये कोर सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा ना आपके आराम से फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा नंबर आएंगे ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ मालाबार सिवेट पिग्मी हॉक या घड़ियाल तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या है तो सी घड़ियाल जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है मालाबार सिवेट है वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और अगर हम बात करें पिग्मी हॉक की पिग्मी हॉक भी हमने न्यूज़ में देखा है कुछ दिन पहले और हमने तब इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड बताया था एक्चुअली क्या होता है स्पीशीज़ का ट्रांजिशन होता रहता है पिग्मी हॉक की ये कंजर्वेशन वेबसाइट है पिगमी हॉक डॉट ओ आर जी ये वेबसाइट बोलती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है पिग्मी हॉग बिकॉज लेस देन 250 इंडिविजुअल्स अभी लिस्ट में बचे हुए हैं तो इसका जो डेटा है ना वो एक्चुअली 2014 तक का डेटा है तो तब ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड था बट फिर क्या हुआ इसका कंजर्वेशन एफर्ट हुआ और फिर आज की डेट में आज की डेट में अगर अपन आई सी एन रेड लिस्ट में जाएँ ये वेबसाइट है आयू सी एन रेड लिस्ट डॉट ओ आर जी एक्सलेंट वेबसाइट किसी भी स्पीशीज़ का नाम देखना है यहाँ बस सर्च करो उसका पूरा कंडीशन आ जाता है और लास्ट असेस भी आ जाता है तो देखिए मालाबार सिवेट 2015 क्रिटिकली एंडेंजर्ड दिस इज घड़ियाल 30 दिसंबर 2017 क्रिटिकली एंडेंजर्ड और ये है पिग्मी हॉक पिग्मी हॉक ऐसा दिखता है सी पिग्मी हॉक और इसका असेसमेंट 2016 का दिया है तो इसकी रिलायबिलिटी बेटर है और यहाँ पे इसे एंडेंजर्ड कहा गया है ओके एंडेंजर्ड सो द पॉइंट इज़ वी विल ऑल्सो गो बाय दिस आई यू सी एन रेड लिस्ट टू मेक करेक्शंस जो पिग्मी हॉग है वो है बी ओनली दैट इज पिग्मी हॉग जो है वो है एंडेंजर्ड नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड दिस इज नॉट बी द राइट आंसर इज वन एंड थ्री वन एंड थ्री ऑप्शन ही नहीं है सो दिस इज वन एंड थ्री मेक न्यू ऑप्शन दिस इज वन एंड थ्री मालाबार सिवेट है क्रिटिकली एंडेंजर्ड और घरियाली क्रिटिकली एंडेंजर्ड है पिग्मी हॉक जो है वो केवल एंडेंजर्ड है ओके okay? इस टाइप के जो भी और डाउट्स आए हैं अभी तक 29 नाइन क्विजेज में ड्रॉप मिया मैसेज जो कंबाइंड पी डी एफ आइल शेयर उसमें सारे करेक्शंस कर देंगे अपन ओके सो दिस इज़ मालाबार सिवेट है दिस क्रिटिकली एंडेंजर्ड घरियाल क्रिटिकली एंडेंजर्ड और पिगमी हॉग है ये एंडेंजर्ड है नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड ओके सो दिस कंप्लीट्स ट्वेंटी फाइव एम सिक यूज इन ट्वेंटी फाइव थर्टी मिनट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ